हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीता बिश्नोई। आज हम लोग देखेंगे अक्टूबर के महीने में हम लोग ये गुलदाउदी या क्रिसैंथेमम में क्या केयर करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग को देखना है कि इसमें कोई कीड़े तो नहीं लगे। इसकी लीव्स देखिए कैसी हो रही हैं। ये लीव्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एफिड्स, मिली बग्स, मैं एक आध बार इनमें इमिडाक्लोप्रिड स्प्रे कर चुकी हूँ, क्योंकि इनमें मेरे को कुछ मिली बग्स दिखे थे और जो ज्यादा इन्फेस्टेड था उनको मैंने काट के निकाल दिया था। जितनी भी लीव्स हैं आपको चेक करनी पड़ेंगी। अगर लीव्स हैं, टिप्स हैं, जो भी थोड़ी इन्फेक्टेड लगे उनको हटा दीजिए आप और स्प्रे कर दीजिए नीम ऑयल का प्रिकॉशनरी। और अगर आपको दिखता है कुछ लीव्स ऐसे दिखती हैं जो इन्फेस्टेड हैं, फिर तो आपको इमिडाक्लोप्रिड स्प्रे करना बेटर रहेगा। नीम ऑयल प्रिवेंटिव बहुत अच्छा रहता है। नीम ऑयल मिक्स विद लिक्विड सोप, 1 लीटर वाटर में मिक्स करके अच्छी तरह से शेक करके उसको स्प्रे कर दीजिए। अब इसमें क्या करना है, पिंचिंग हो चुकी है इनकी एक एक बार सब प्लांट्स की। देखिए यहां से पिंचिंग हुई थी, यहां से पिंचिंग हुई है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस आ गई है। ऐसे ही हर प्लांट में पिंचिंग हो चुकी है। इस प्लांट में मैंने 2 बार किए क्योंकि ये थोड़ा लैंकी लग रहा था मेरे को। तो अगर आपको भी पिंचिंग के बाद कुछ ज्यादा लैंकी लगे तो आप उनको दोबारा पिंच कर सकते हैं। वैसे एक पिंचिंग में काफी बुशी हो जाता है प्लांट, मगर राइट टाइम पे करना पड़ता है जब वो प्लांट थोड़ा छोटा हो, 5-6 इंच का हो। उसके बाद जब ये प्लांट अच्छा सा बड़ा हो जाए तो इसको धूप देना बहुत जरूरी है। ये मैंने सब प्लांट्स को फुल सन में रखा हुआ है और अब की सन में इतना ज्यादा हीट नहीं है, तो ये लीव्स भी हेल्दी हो जाती हैं, प्लांट भी हेल्दी हो जाता है और ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि अगर आपको इसमें खूब अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो इसको धूप बहुत मस्त है और फ्लावरिंग इसकी दिसंबर एंड जनवरी में खूब अच्छी शुरू हो जाती है। और अगर आपने पहले ही सैपलिंग लगा दी है तो आपको नवंबर एंड में भी इसमें फ्लावरिंग दिखनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है इसका, इसको फर्टिलाइज करना जरूर शुरू कर दें। हर 20 दिन में आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या नीम खली बोन मील जरूर डाल दें। बहुत ज्यादा नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर जो कंपोस्ट में, जैसे काउडंग मेन्योर में और वर्मी कंपोस्ट में होता है, वो इतना ज्यादा नहीं जितना सरसों खली। सरसों खली बहुत ही बढ़िया है इस प्लांट के लिए, पानी में डिप करके 4-5 दिन बाद। नेक्स्ट स्टेप, जो कि प्लांट जब बड़ा हो जाता है तो इसकी स्टेकिंग बहुत मस्त है। स्टेकिंग मतलब लकड़ी लगा के जूट थ्रेड से बांधना है आपको। जैसे ये प्लांट है, ये बहुत लंबा हो गया और गिरने लग गया है, इसके लिए मैंने बहुत सारी ऐसी स्टिक्स रख रखी हैं। इसको अब इसमें बांधूंगी जूट थ्रेड से, नायलॉन से एकदम भी नहीं, क्योंकि नायलॉन थ्रेड से ये कट जाता है प्लांट। जब इसको सपोर्ट मिलेगा तो ये प्लांट और अच्छे से ग्रो करेगा और शेप भी इसकी एकदम सही रहेगी। इनफैक्ट ये मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया है, बारिशें होती रही, नहीं तो थोड़ा और छोटा प्लांट होता तब भी आप इसकी स्टेकिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आपका गोल गमला है और प्लांट बहुत हैवी हो गया है तो आप इसको चारों तरफ से 3 या 4 स्टेकिंग करके, जैसे एक स्टेक यहाँ लगाना है, एक हम लोग को यहाँ लगाना है और एक ऐसे करके 3 स्टेकिंग करके चारों तरफ में इसमें अगर हम लोग ये जूट थ्रेड से बांध देंगे तो ये अंदर कंटेन रहेगा इसके और प्लांट पूरा बुशी हो जाएगा और आपको हजारों फूल मिलेंगे और बहुत खूबसूरत लगेंगे। अब ये सब में स्टेकिंग हो गई है और ये सारे प्लांट्स फुल धूप एंजॉय कर रहे हैं। धूप बहुत जरूरी है, अगर धूप नहीं मिलेगी तो ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, लैंकी भी हो जाएगा और फ्लावरिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। स्टेकिंग करनी बहुत जरूरी है ताकि प्लांट खूब अच्छी ग्रोथ पकड़ सके और जब प्लांट में फ्लावरिंग होगी, प्लांट इतना हैवी हो जाएगा
उसके लिए ये स्टेकिंग बहुत मस्त है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जरूर लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।